यस मैम, ओके यस मैम। सो कैसे होगा ये एक, तो अभी इस पे फाइनल डिसीजन, इस बात का फाइनल डिसीजन हो गया है दैट द क्वेश्चन विल बी ऑफ 40 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 1 विल बी ऑफ 10 मार्क्स, 10 एमसीक्यू, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 विल बी ऑफ 20 मार्क्स, 10 क्वेश्चंस कैरिंग 2 मार्क्स ईच, एंड क्वेश्चन नंबर 3 विल बी ऑफ 10 मार्क्स, 5 इंटू 2, 2 क्वेश्चंस वर्थ 5 मार्क्स ईच। ओके, तो लगता है कि पीरियोडिक जैसे ही हो गया। गुड मॉर्निंग, पीरियोडिक जैसे हो गया अ लिटिल बिट। मैम क्वेश्चन नंबर 3 शॉर्ट आंसर्स होंगे। क्वेश्चन व्हाट हैपेंड मैम, ग्रुप पे भेजना है कि पर्सनली भेजना है, ये इस पे तो अभी डिसाइड होना बाकी है। यू मे सेंड इट टू योर टेक्निकल टीम, ग्रुप पे नहीं, इस बार कोशिश करेंगे ग्रुप पे ना भेजा जाए। ओके, मैम राइटिंग पार्ट भी रहेगा। टेन मार्क्स, गुड मॉर्निंग, 5 क्वेश्चंस 2 मार्क्स ईच। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। द 5 क्वेश्चंस वो सब अभी डिसाइड होना बाकी है। ओके, मोस्ट प्रोबेबली योर एग्जाम विल बी स्टार्टेड फ्रॉम 16th September, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली इट विल बी स्टार्टेड, 40 मार्क्स का ही क्वेश्चन होगा। मैम डेट शीट कब आएगा? डेट शीट नहीं आएगा, फर्स्ट वीक डेट शीट विल बी मैम शेयर्ड इन द फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर, ठीक है। ओके मैम, मैम एग्जाम विल बी ऑनलाइन, इसका सिलेबस कब आएगा? दी आप एक मिनट, देयर इट मे बी देयर दैट देयर विल बी नो एग्जाम फॉर डीएस कंप्यूटर एंड जीके, इट मे बी। ओके, आपकी आपकी क्लासेस एक्टिविटी बेस्ड होंगी एंड यू विल बी मार्क अकॉर्डिंगली, क्लियर। ओके मैम, एनी क्वेरी रिगार्डिंग हाफ ईयरली एग्जामिनेशन? नो मैम। ओके, मैं ऐसा ये डीएस कंप्यूटर क्या बोली, इट मे बी देयर वो डायरेक्ट पेन पेपर टेस्ट नहीं होगा, ठीक है, पेन पेपर टेस्ट विल टेक प्लेस ऑफ ओनली 6 सब्जेक्ट, ऑल मेजर सब्जेक्ट। ओके, तो मैम डीएस कंप्यूटर का तो हम लोग का इस साल कुछ पढ़ाई ही नहीं हुआ, तो मैम जो भी क्वेश्चन तो कुछ ना कुछ पूछेगा। नो नो, एक्टिविटी विद क्लासेज स्टार्ट हो गई ना डीएस कंप्यूटर की? यस मैम, आई एम 29th मैम, एमएससी का स्टार्ट नहीं हुआ। MSc का भी होगा, योर टुमारो यू पीपल हैव योर हिंदी पीरियड ना, सो यस मैम सैटरडे से मैम कल से होगा। हाँ, तो वो अपने देयर विल बी नो, मतलब देखो अकॉर्डिंग टू सीबीएसई मैम ओनली क्लासेस ऑफ मेजर सब्जेक्ट्स आर टू बी टेकन, ये आपका जो माइनर सब्जेक्ट्स है ना, माइनर सब्जेक्ट्स इट विल मैम आप तो जीके क्विज था ना? आज जीके क्विज है था नहीं? 7 to 9 मैम कितने बजे है? आप 7 to 9 इज द टाइमिंग, बट आई मे सेंड द क्वेश्चंस अर्ली, मैं क्विज का क्वेश्चन थोड़ा अर्ली भेज दूंगी, सो एंड इट इज फॉर ऑल द स्टूडेंट, सारे स्टूडेंट को वो क्विज अटेम्प्ट करना चाहिए। मैम इंग्लिश के कैसे क्वेश्चन? मैम मतलब उसमें से जीके का जो करंट अफेयर्स है, जीके देखो जो जीके मींस जो कि यू यू कैन से दैट साइंस एवरीडे साइंस एंड एसएसटी, तो के क्वेश्चंस जीके में आते ही है ना, करंट अफेयर्स विल बी देयर एंड इंग्लिश क्वेश्चंस विल बी देयर, सो जनरल इंग्लिश, तो जनरल इंग्लिश में क्या होगा, मोस्ट ऑफ द ग्रामर डाउनलोड करना ही होगा या फिर मैम लिंक से भी चलेगा? लिंक से चलना चाहिए, बस तुम लोग इतना कर सकते हो कि
तुम लोगों को इंग्लिश का क्वेश्चन भेजे थे, यू पीपल हैव नॉट अटेम्प्टेड। मैम अटेम्प्ट किए हैं, वो किए हैं उसका, अ फ्यू स्टूडेंट हैव अटेम्प्टेड, वो तुम लोगों को कल जब तक मैम करते तब तक में तो क्विज ओवर ही हो गया था। नहीं फिर से हम भेजे थे। यस मैम ऑफलाइन थी मैम, नहीं पता चला। कल फिर से हम भेजे थे, मॉर्निंग में लिंक शेयर किए थे और उसका yes, ma'am. आज yes, ma'am. का डेट है। यस मैम यस मैम यस मैम आज तक का डेट है। हाँ आज तक का डेट है उसका भी। ये तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए ही हम भेजे थे कि यू विल बी फैमिलियर हाउ टू अटेम्प्ट। और ये सारे माय मदर तक क्वेश्चन आया था। माय मदर पे सभी से क्वेश्चन था, माय मदर से नहीं था। सारे चैप्टर से क्वेश्चन थे, चैप्टर नंबर 1 2 यस मैम, 1 2 यस मैम, या तो एमसीक्यू के फॉर्म में हो या वन वर्ड के फॉर्म में हो या जो बच्चे निकले उनका मैम कितना परसेंट होना चाहिए? मैम जो फर्स्ट राउंड से बच्चे निकले उनका कितना मतलब कितना परसेंट तक नंबर आना चाहिए? वो तो डिपेंड कर जाएगा ना, मान लो हाईएस्ट गोल्स टू गोल्स 99% 100%। इंग्लिश का क्वेश्चन तुम लोगों को मैंने जस्ट फॉर रिविजन भेजा था, दैट इज नॉट क्विज। आज जो क्विज होगा उसमें लॉन्ग आंसर के भी क्वेश्चन आएंगे। नो दैट विल बी ओनली फिल इन द ब्लैंक्स और एमसीक्यूज। ओके मैम। एंड देयर विल बी नो कनेक्शन विद द बुक। आप अपने इंग्लिश प्रैक्टिस बुक को पढ़ लेंगे बट जस्ट फॉर रिवीजन। यू डोंट एक्सपेक्ट दैट क्वेश्चन विल बी कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम दैट। ये कंपटीशन है ना, दैट इज नॉट योर नथिंग टू बी डन विद योर सिलेबस। ओके मैम कोड डाल के मैम ज्वाइन करना पड़ेगा। इंग्लिश ग्रामर सिस्टम, देयर विल बी नो टेस्ट दिस संडे। दिस संडे देयर विल बी इंग्लिश, हां दिस संडे देयर विल बी नो टेस्ट। मैम कोड मांगता मैम कल ज्वाइन करने के लिए। आपका का ग्रामर का सिलेबस क्या है मैम? मैम का कोड मांग रहा था मैम, क्लास इंटर ज्वाइन कोड मैं मांगता है। अच्छा ज्वाइन कोड तो यस मैम, आस्किंग फॉर कोड। तो कोड कोड होगा तो आई विल बी सेंडिंग। वैलिड बताता है, कोड इनवैलिड बताता है मैम। रोम से मैम करना पड़ता है क्या? नहीं मैम क्रोम से। हां क्रोम से डायरेक्ट क्रोम पे क्विजेस ओपन करने पर डायरेक्ट कोड की जरूरत नहीं है। मैम लिंक से ओपन करने पर कोड की जरूरत नहीं होती। नहीं चाहिए लिंक मैम, नहीं मांगेगा, नहीं मांगेगा। और अगर मांगता यस मैम, नो मैम नहीं मांगता। ओके ओके नाउ आप विशुद्ध स्टैक में ही कोड रहता है। हां मैम, पहला मैम 12 क्वेश्चन था मैम, कल हुआ मैम 58% मैम ले आया। 12 क्वेश्चन सब्जेक्ट मैम गलती हुआ था, 58% पे मैम कैसे ले आया? कितना का टाइमिंग वो हो सकता है, टाइमिंग होगा सारे क्वेश्चंस के लिए 30 सेकंड्स पे। और आखिरी मैम लॉन्ग के लिए मैम टाइमिंग नहीं था मैम, लॉन्ग के लिए 3 मिनट्स लॉन्ग क्वेश्चंस मैम फॉर 3 मिनट्स। तो वहां पे आपका वो थोड़ा सा गलत होने पर मार्क्स शायद कट रहा था। हां हां वो अच्छा वो सिस्टम करता है, नथिंग टू ओके। उसमें एक दो वर्ड भी इधर वो हो जा रहा था तो मार्क्स कट जा रहा था, मार्क्स कट रहा था। यस मैम, तो वही तो ये अच्छा है ना, इसी पे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे अपने एग्जाम का भी। ठीक है, हाफ ईयरली एग्जाम का भी प्रैक्टिस इसी पैटर्न पे करेंगे मैम। हाँ ओके
मैम जो लंचियन के जो मैम सेट मॉगम है तो मैम वहाँ पे लिख रहे थे मैम सोमर सेट मॉगम लिखे तो मैम वो गलत हो जा रहा था। यस मैम उसमें दूसरा गलत स्पेलिंग था। गलत होता है ये मैम पता चलता ही नहीं पहले लास्ट में पता चलता है। नहीं पता चलेगा एक मिनट। मैम सोमर अलग है और मैम सेट अलग है। यस मैम सोमर अलग है। ओके टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी मे बी देयर। ओके ओके मैम एपीजे अब्दुल कलाम लिख रहे थे तो मैम उसमें सारा लेटर मतलब मैम कैपिटल में था उसके वजह से गलत हो गया वो भी मार्क्स कट गया। अच्छा तो देखो यस मैम ये देखो एपीजे अब्दुल कलाम तो ए कैपिटल होगा ही ना पी कैपिटल भी होगा जे भी कैपिटल होगा मैम वो तो कैपिटल लिखे थे मैम उसके बाद कैपिटल स्पेस बीच बीच में। अच्छा 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 चलो ठीक है कोई बात नहीं मैम सारा क्वेश्चन सही था लेकिन मैम दो क्वेश्चन वो टाइमिंग पे भी डिपेंड करता है मैम टाइमिंग तो सही था मैम टाइमिंग पे ही टाइप किए थे मैम टाइमिंग सही था मैम। ओके ओके अच्छा चलो हम लोग कुछ राइटिंग सेक्शन पे बात कर ले मैम। हाँ, बोलो। हाफ ईयरली का ग्रामर का सिलेबस क्या है लिटरेचर का तो ग्रामर जितने चैप्टर्स मैंने पढ़ाए हैं चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 एंड आप ये जैसे तुम्हारा टेंसेस डायरेक्ट इनडायरेक्ट मॉडल्स सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पंक्चुएशन ऑल दी चैप्टर्स वी हैव डन ना मैम लिटरेचर का मैम क्या पोर्शन लिटरेचर का पोर्शन चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6 दैट वी हैव डन आई गेस मैम इंग्लिश रीडर से भी आएगा इंग्लिश रीडर से राइटिंग सेक्शन बेस ही आता है इंग्लिश रीडर से कभी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं। ओके मैम टेल्स मॉडल और क्या 1, 2, 3 सिलेबस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच एंड पंक्चुएशन। ओके नाउ आई एम कमिंग ऑन राइटिंग सेक्शन वन क्वेश्चन इज देयर मार्क्स में ग्रामर से भी आएंगे हाँ एक दो क्वेश्चन ग्रामर से भी हो सकते हैं क्लियर। सॉल्यूशन इज अ स्लो लिसन टू माई क्वेश्चन सॉल्यूशन इज अ स्लो पॉइजन killing a city and its habitat. Pollution is a slow poison killing a city and its inhabitants. It harms the environment, water bodies, causes a variety of diseases. Write an article on pollution in my city for your school magazine in not more than 150 words. You are Vinita Vikram. You may refer to ideas given in unit nature. Nature to abhi hum log padhe nahi hai, but pollution, we are not new for pollution. The word pollution is not new for us. What is to be written? Article. Question is, right are you people able to know right ma'am thoda pass lekar jaiye yes ma'am zoom kijiye ma'am zoom ma'am zoom kar dijiye laptop pe zoom nahi ho sakta hai na laptop ko kaise zoom karungi ma'am laptop pe nahi mobile hota to laptop pe ma'am screen sharing kar dijiye screen share kar dijiye screen share karne se bhi kya fayda hoga ठीक है ठीक है ना वो एक्चुअली हो रहा था जैसे हम लोग क्लास में करते हैं तो ब्लैक बोर्ड साइन करता है ना द सेम प्रॉब्लम वाज देयर is it okay so yes. Write an yes ma'am article
on the topic now we will write within inverted comma pollution in our city, in my city, pollution in my city. Okay, what is the topic? इस आर्टिकल में पॉल्यूशन को कैसे दूर करना है मैम, ये लगता है लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। हम बस इफेक्ट्स जो है पॉल्यूशन इन सिटी, यहां पे देखो बस इफेक्ट। हां, आप ये, हां ये जिस कैसे दूर करना है नहीं लिखने का लिए, बट यू शुड राइट एक एक आध लाइन में इसको, कम से कम एक दो लाइन लिख देंगे। हां कंक्लूजन में तो एक दो लाइन लिखेंगे ना। अब यहाँ पे व्हाट आई टोल्ड इन द क्वेश्चन, पॉल्यूशन इज अ स्लो पॉइजन किलिंग अ सिटी एंड इट्स हैबिटेंट। ओके, वी कैन स्टार्ट विद द सेम सेंटेंस, इट हार्म्स एनवायरनमेंट, व्हाट अबाउट दिस, एंड कॉजेस अ वैरायटी ऑफ डिजीजेस। टू लाइंस एंड वेरी गुड लाइंस। We can start with this and then we can write what type of pollutions are there. How many types of pollutions are there? Air pollution, water pollution. Pollution. Is it required to write the types? मैं लिखने जाएंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा। मैम बस पॉल्यूशन क्या है, कैसे पॉल्यूशन होता है, उसका इफेक्ट क्या है। हाँ नहीं, एक दो देखो, उतना नहीं लिखेंगे बस, बट देयर आर फोर टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। पूरे को हम लोग डिफाइन नहीं करेंगे, बट वी विल राइट दैट देयर आर फोर टाइप्स। दो लाइन लिख देंगे। हाँ, देयर आर फोर टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन एंड व्हिच वन इज द मोस्ट हार्मफुल वी कांट से, बट स्टिल वी कैन से दैट एयर पॉल्यूशन सारे पॉल्यूशन ही दे आर वेरी डेंजरस। वाटर पॉल्यूशन, इफ वाटर पॉल्यूशन इज देयर, वी विल हैव पॉल्यूटेड वाटर एंड इट विल डेवलप सो मेनी टाइप्स ऑफ डिजीजेस। इफ वी टॉक ऑफ सॉइल पॉल्यूशन, इफ सॉइल इज पॉल्यूटेड वी विल नॉट हैव फ्रेश टाइप ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। अगर if a farmer uses pesticides or chemical fertilizers, what will happen? We will not have good food, healthy vegetables. We will not have healthy vegetables. You might have heard some chemicals are there and it is injected in fruits and vegetables to grow fast. ऐसा होता है ना कि एक अभी बॉटल गार्ड इतना छोटा है और इवनिंग पे इंजेक्ट कर दो, मॉर्निंग पे इट ग्रोज लाइक दिस बिग साइज। सो बट इट इज नॉट हेल्दी। ये तो खैर की बात, बट इफ सॉइल इज पॉल्यूटेड, अगर सॉइल में पॉल्यूशन है तो जितने भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स होंगे ऑल विल बी पॉल्यूटेड। यस मैम, फर्टिलिटी मैम खराब हो गया सॉइल का। यस, अगर एयर पॉल्यूटेड है, सपोज दैट यू डोंट स्मोक, तुम स्मोक नहीं करते हो, बट तुम्हारे सामने तुम्हारा फ्रेंड बैठा हुआ है या कोई भी फैमिली मेंबर है, ही और शी इज अ चेन स्मोकर, वो लगातार स्मोक करता रहता है, तो उसके वो जो एयर में वो स्मोक ये हो रहा है एंड यू आर ब्रीदिंग इन, यू विल बी ऑल्सो इफेक्टेड होगा ना। पहले तो एयर पॉल्यूशन होगा और उस एयर को हम ब्रीद करेंगे तो हम यूजेस ऑफ फैक्ट्री से कितने जितने भी केमिकल ये निकलते हैं, स्मोक्स निकलते हैं, दे आर वेरी डेंजरस।
and when mixed with the rain it becomes the rain becomes the rain. Rain water also it becomes the water to pollution kam gaya hai abhi pollution kam gaya because lockdown is there na lockdown लॉकडाउन खुला तो पॉल्यूशन बढ़ा अनलॉक के कारण हो गया फिर लॉकडाउन में देर वर नो एरोप्लेन देर वर नो फैक्ट्रीज देर वर नो व्हीकल्स व्हीकल्स भी बहुत कम नहीं के बराबर चल रहे थे मैंने देश में पता चला है कि 150 बार लॉकडाउन की वजह से फिर से एक बटरफ्लाई जन्म लिया यस व्हाट व्हेन वी वर स्मॉल जब हम लोगों के एज के थे तो स्पैरोज एंड क्रोज दे वर वेरी कॉमन तब वो एकदम ग्रुप तो इवन तो क्रोज दिखते ही नहीं है हाँ अब पैरट्स भी पहले दिखते हैं अब तो लगता है क्रोज तो दिखते हैं तुम्हारे तरफ आता होगा हो सकता है अभी वहाँ पे एग्रीकल्चरल लैंड होगा काफी खाली जगह होगा बट इफ सिटी इज क्राउडेड सब आता है हाँ इफ सिटी इज क्राउडेड यू विल नॉट फाइंड दीज थिंग अगर जिसके जिसके घर के आसपास सिर्फ अपार्टमेंट्स हैं विल दे हैव लेट मी टेक अ कॉल लगातार फोन आ रही है मैंने इसको इग्नोर कर रखा था जस्ट अ मिनट हेलो हाँ व्हाट हैपेंड ओके क्लास इज गोइंग ऑन टॉक टू मी आफ्टर 10:40 ओके ओके और इफ यू हैव बिल्कुल ज्यादा होते हैं क्रोज सो इट इज वेरी इजी टू राइट अबाउट द पॉल्यूशन Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So, should we switch over to the next question of writing section? Yes, ma'am. So, that important point I have, what I have said, pollution is a slow poison killing a city and its inhabitants. This line, you can note down somewhere. It harms the environment, water bodies, causes a variety of diseases. Such type of lines, you suppose why I am emphasizing on both of the lines. These lines are given in the question. So, पहले अगर question को आप काफी patiently and minutely पढ़ते हो, काफी mentally focused होके पढ़ोगे, then you will get a few lines. Also, next question. What is next question? Next question is that you are Nisha of class 8. You are disturbed by instances of growing intolerance in the society leading to communal rights. Refer to the unit tolerance of abhi tolerance bhi aap logo ko nahi karna hai. But article growing intolerance ka hum log ek example isme bhi tha na chapter number 1 what was that chapter number 1 in reader story of pronoun ki jo half yearly mein reader se bhi aayenge kya questions reader se direct question nahi aate hain kabhi nahi aayenge reader se direct question कुछ टॉपिक्स फोर टॉपिक्स आई हैव डिस्कस फोर टॉपिक मैंने डिस्कस किया था ना मैम रीडर्स मैम लॉन्ग आंसर्स भी आएंगे हाफ ईयरली में आई डिड टू टू आई हैव टोल्ड दो क्वेश्चन तो 5-5 मार्क्स के होंगे ही मैम लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे क्वेश्चन का पैटर्न तो ऑलरेडी आई हैव डिस्कस दैट Question number 1 will be of 10 marks. In MCQ, carrying 1 marks each. Question number 2 will be of 10 marks, carrying 10 questions carrying 2 marks each. Means total 20 marks. Question number 3 will be. Second question.
होंगे और वो 2 मार्क्स के क्वेश्चन 10 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा और क्वेश्चन नंबर 3 में 2 क्वेश्चन होंगे और दोनों क्वेश्चन 5 5 मार्क्स के होंगे। मैम थर्ड क्वेश्चन 5 मार्क्स के होंगे, 2 क्वेश्चन होंगे एंड 5 5 मार्क्स के ही होंगे। ओके, यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है सबका? हाँ। सेकेंड, आवर सेकेंड क्वेश्चन वाज रिगार्डिंग, ये था ना, ग्रोइंग इनटॉलरेंस। चलो इस क्वेश्चन, बैकग्राउंड वॉइस आ रहा है, बैकग्राउंड वॉइस। यस मानवी, मैम 8D का है कोई? अब नहीं है कोई, नहीं है ना? नो मैम। ओके, और नाउ एनीवन, एनी डाउट राइटिंग सेक्शन में तुम लोगों का? देखो मैम, आपका आवाज ठीक से नहीं आ रहा है, घड़घड़ा रहा है। माय वॉइस? Yes, background noise है। Yes, ma'am. मेरे से background noise आ रही है? No, ma'am, किसी और से। नहीं, मेरे से नहीं आ सकती होगी। आवाज़ किसी से नहीं है। अब वो थोड़ा हो सकता है। मैं बोल रही हूँ तब आवाज़ आ रही है। मैम आप बोल रहे थे घड़घड़ाहट टाइप करा। नेटवर्क का इश्यू हो सकता है, बिकॉज जब मैं क्लास लेती हूँ तो मेरा रूम, जब मैं क्लास लेती हूँ मेरा रूम बंद होता है, तो वहाँ पे कोई भी, हाँ एक मोबाइल है जो डिस्टर्ब करता है, बट मोबाइल को भी मैंने साइलेंट मोड पे रखा हुआ है, तो फोन किसी का आएगा तो उसमें भी आप देयर विल बी नो नॉइज इशू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव द नोटिस, अब हम लोग बात करते हैं हम लोगों का क्या छूटा। मैसेज राइटिंग, मैसेज राइटिंग, एवरीवन नोस? यस मैम, यस मैम। शुड आई रब द ब्लैक बोर्ड? यस मैम। ओके ओके, मैसेज, व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ मैसेज राइटिंग? मैम फर्स्ट ऑफ ऑल मैम ऊपर मैसेज लिखेंगे, साइड में टाइम एंड डेट, फिर मैम नीचे सेलिब्रेशन लिखेंगे। ओके मैम, लेफ्ट हैंड साइड में डेट, हाँ लेफ्ट हैंड साइड में भी लिख सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू करंट पैटर्न एवरीथिंग भी लेफ्ट इधर ही सारा, राइट साइड भी डोंट राइट एनीथिंग। डेट, आज का डेट कितना है? 28 वी कैन राइट इन दिस वे, ऑगस्ट 28 20, या तो कॉन्ट्रैक्शन मार्क दे करके हम लोग 20 लिख दे, या उसके नीचे डे लिखेंगे। हाँ, अगर कॉन्ट्रैक्शन मार्क देते हैं या अदरवाइज वी विल राइट 2020। टाइम, सपोज दैट राइट नाउ इट इज, ओके वी विल राइट 10:35 AM। These two are very important. When, on which day message was written and when was it written? Now suppose that. Ma'am, day. Salutation. Name of the receiver. Name of the receiver. Name of the receiver. Suppose that you are writing a message for your sister or brother, so you can write, dear, Ayush, sister. Sister, do teen sister hai to, ya do brother hai, do sister hai to problem bhi ho sakta hai na, ha to sister bhi likh sakte hai, chalo, dear sister / brother, content uske niche, ha uske baad content hum log likhenge, aur you can say buddy। मैम कंटेंट
कंटेंट सपोज दैट 50 वर्ड्स हां 50 वर्ड्स से ज्यादा मैसेज जब भी आएगा तो इट विल नॉट बी मोर देन 50 मैम मैसेज का एक थोड़ा सा शुरुआती का एग्जांपल दे दीजिए तो हां बता रहे हैं ये बड़ी बड़ी सपोज दैट आई योर मदर हैज टोल्ड सपोज दैट योर मदर इज गोइंग आउटसाइड एंड शी हैज टोल्ड to tell your sister to pay the electricity bill suppose that or to give something to suppose that your mother told you to give to say to your brother or sister to give to serve lunch to your grandfather okay एकदम सिंपल हम लोग सिंपल जाते हैं योर मदर इज गोइंग समवेयर एंड शी हैज टोल्ड यू ये भी कर सकते हो कि शी हैज टोल्ड यू टू टेल योर ब्रदर और सिस्टर तुम छोटे हो तुम्हारा ब्रदर और सिस्टर जो भी है वो बड़ा है सो मदर टेल्स यू दैट टेल हिम और हर टू सर्व फूड टू ग्रैंड पेरेंट्स नाउ यू आर गोइंग टू मार्केट अभी तुम सोचोगे कि जब सिस्टर आएगी या ब्रदर आएंगे तो आई विल बी टेलिंग बट नाउ यू आर गोइंग टू समवेयर फॉर अर्जेंट वर्क व्हाट विल यू डू यू विल राइट सिस्टर राइट द मैसेज फॉर योर सिस्टर और ब्रदर दैट सो हाउ वी विल राइट दैट आप मदर हैज told you to serve lunch to grandma and chalo ya grandma bhi likh sakte grandmother bhi likh sakte to grandmother ha and grandfather a grandfather by 1:30 p.m. इसके पहले यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं I am going to my friend's place. I am going to my friend's place. I will इसको रब कर दे. I am going to my friend Raja's. मैम जो टेस्ट होगा वो रिटर्न होगा किसका आखिर ले friend Raja's house ये अपना इंफॉर्मेशन दे दिए सेकेंड वो इंफॉर्मेशन तो था ही दैट सर लंच टू ग्रैंड पेरेंट्स बाय दैट टाइम क्लियर नाउ नीचे हम लोग क्या लिखेंगे योर ब्रदर